तो हम आइडेंटिटी कार्ड बनाना सीखेंगे एक्सेल में। तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी कार्ड का एरिया लीजिए और एरिया लेने के बाद इसको एक कलर कर दीजिए। जैसे कि मैंने एक एरिया लिया और इस एरिया को हमने कर दिया कलर। तो कलर कुछ हल्का कलर कीजिएगा, एकदम हल्का, जैसे हल्का कलर दिख रहा है, हमने एक हल्का कलर या टैन कलर वगैरह होता है, मोर किट पे जाके भी एक हल्की कलर को चूज कर सकते हैं आप। जैसे कि कस्टम में गए और मैंने ले लिया यहाँ पे और ये हल्का कलर चूज कर दिया, एक हल्की कलर को हमने चूज कर दिया। अब सबसे ऊपर आपके आते हैं किसके, स्कूल के नेम। एक स्कूल का नेम जितना हो उतना एरिया को सेलेक्ट करके आप उस पर डार्क कलर कर, और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है आइडेंटिटी कार्ड, उस एरिया को भी सेलेक्ट करके सेम कलर कर दीजिए। यहाँ पे सेम कलर हो गया। अब ये थोड़ा सा स्क्वायर में हो रहा है तो एक दो कॉलम को डिलीट भी कर देंगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पे बेटर दिख रहा है। ओके, और नीचे मर्ज कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद ये पूरा एक बन जाएगा। बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे आइडेंटिटी कार्ड आई डी टी एन टी आई टी वाई आइडेंटिटी कार्ड सी ए आर डी कार्ड। और यहां थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, और जैसे कि डार्क कलर पे हमेशा व्हाइट कलर का टेक्स्ट होना चाहिए तो हमने टेक्स्ट कलर को व्हाइट ले। और यहाँ सबसे पहले आता है लोगो। अब आप अपने स्कूल का जो लोगो है इसमें आप अपने स्कूल का लोगो रखेंगे। अब स्कूल का लोगो कैसा होना चाहिए, तो कोई भी लोगो एक इंटरनेट से आप कॉपी कर लीजिए, या आपके पास अगर आपके स्कूल का लोगो है तो आप लोगो किसी स्कूल का लोगो उठा के लगा सकते हैं। जैसे कि हमने एक लोगो को हमने यहाँ से कॉपी कर दिया, हमने स्कूल लोगो गूगल पे सर्च करके कॉपी करके एक लोगो में यहाँ लेके आ गया। आने के बाद इसको हम पिक्चर फॉर्मेट में जाके जो बाहर के जो हिडन एरिया है उसको क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप करने से क्या होगा, एक्स्ट्रा जो व्हाइट स्पेसेस है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। अब इसको एकदम छोटा करके या जितना एरिया में आपको हटेगा उतना एरिया यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ एक लेवल को मर्ज कीजिए, मर्ज करने के बाद यहाँ पे हो जाता है स्कूल नेम का आईपीटी एक्सेल स्कूल, और ये थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए क्योंकि स्कूल का नाम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और कलर व्हाइट कर और बोल्ड भी कर। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए, जैसे कि एड्रेस मैंने दे दिया गरीब नाथ धाम बिहार 8440162 और इसको थोड़ा सा यहाँ इंडेंट करके जगह पे लगा देते हैं, इसकी कलर भी व्हाइट कर। ये हो गई हमारा, अब बात करते हैं, ए हो गई स्कूल की डिटेल्स को अगर, अब बात करते हैं यहाँ पे सेशन कि इसका सेशन किस सेशन सत्र का है। एक एरिया को लिया, एक एरिया को लिया यहाँ से, और इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करके मैंने डाल दिया 2022 से 2023, और ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट, बड़े फॉर्मेट में दिखना चाहिए। इसको यहां कर दिया हमने बड़ा, और कर दिया बोल्ड, और इसको हमने कोई और कलर डार्क कलर जो सामने एकदम दिख जाए हमने रख दिया। अब आती है स्टूडेंट का फोटो। आप स्टूडेंट का फोटो तो कोई भी एक नाम लिख दे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा सिंह करके हम सर्च करते हैं किस पे, इंटरनेट के इमेज, तो कोई ना कोई फोटो तो मिल ही जाए। पूजा सिंह यहां से हम इसको यहां से कॉपी किए,
और कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। ये रहा पूजा सिंह की फोटो। पूजा सिंह की फोटो को एक सही फॉर्मेट में हमने कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे नाम लिखते हैं पूजा सिंह, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पूजा सिंह की बाकी जो डिटेल वगैरह होती है, डीओबी वर्क क्या है, एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, वो सारी चीज हम यहाँ पे लिख देंगे कि डीओबी मान लीजिए 03/3/2015 क्लास मान लीजिए से सेकेंड क्लास है, रोल नंबर मान लीजिए 40 है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको चाहे तो। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बी प्लस है डाल दीजिए, और यहाँ एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस F120IIC ग्राम बिहार, या जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ डाल दीजिए। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में 9968811487, ये हमारा बन गया आईडी कार्ड। आईडी कार्ड बन गया, लेकिन हमने एक चीज की गलती की, आईडी कार्ड के ऊपर सिग्नेचर नहीं। सिग्नेचर तो होना ही चाहिए क्या? तो सिग्नेचर के लिए आप जगह बना दीजिए और यहाँ पे सिग्नेचर की एक जगह पे दे दीजिए, जैसे कि SINGNANATUR सिग्नेचर ऑफ सिग्नेचर, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। और जब सिग्नेचर होगा तो लाइनिंग होनी चाहिए, तो यहाँ बॉर्डर में जाके ये अपर लाइनिंग लगा दी, यहाँ पे सिग्नेचर हो। और फिर आप क्या करें, पेज लेआउट में जाके फिर लाइन को हटा दीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो बना के ट्राई कीजिए।